मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का सिस्टम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सांपों का जहर सप्लाई करने के केस में कोर्ट से एल्विश को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल रविवार को नोएडा पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया। अब इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल रेव पार्टी और सांपों का जहर सप्लाई करने और वीडियो शूटिंग के दौरान भी सांपों का इस्तेमाल करने के मामले में रविवार को एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद एल्विश का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पुलिस कर्मियों के साथ मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में पेशी के बाद अब उनकी मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, वहीं अब उन पर NDPS एक्ट भी लग गया है। नोएडा सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। यूं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में एल्विश के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन उन पर लगा NDPS एक्ट एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। दरअसल नशीला पदार्थ खरीदने, बेचने, बनाने या सेवन करने वालों पर ये एक्ट लग जाता है। इस एक्ट के तहत अगर एल्विश आरोपी सिद्ध होते हैं तो उन्हें 10 से 20 साल की जेल की सजा हो सकती है, वहीं उन्हें 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। गौरतलब है कि एल्विश यादव पर सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप है और इसका इस्तेमाल रेव पार्टियों में नशे के लिए किया जाता था। दरअसल NDPS एक्ट को नारकोटिक्स, ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कहा जाता है। अफीम, गांजा, चरस, कोकेन, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों को खरीदने, बेचने, सेवन करने या बनाने पर यह एक्ट लगाया जाता है। एल्विश यादव पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लगा है, इसमें भी 3 से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ये देखिए सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ IPC की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी।